मिथिला एंजल नेटवर्क द्वारा मिथिला अर्थव्यवस्था अवसर एवं चुनौतियां विषय पर दिल्ली मोड़ अवस्थित मखाना अनुसंधान केंद्र में 10 मई को एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। उसी को लेकर मब्बी अवस्थित दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य एवं मिथिला एंजल नेटवर्क के प्रमुख ने दी जानकारी। इन लोगों ने क्या कहा, पूरा क्या कार्यक्रम है, सुनिए दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। स्टार्टअप की जो बात हो रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की जो बात हो रही है, इसमें स्टार्टअप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो उसमें मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा, अगर आप 20 से 25 साल पीछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा रिच किसान अगर हम देखें तो पंजाब या हरियाणा का है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक मेरा बिहार का एक्सपोजर है, मेरे जितने मित्र पूरे इंडिया में नहीं है उतने बिहार में है, तो इसलिए आप मुझे बिहारी समझ सकते हैं। मुझे पूरा बिहार का सपोर्ट है, इसलिए मैं यहाँ आके जॉब करने का मैंने निश्चय लिया। तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं जितने भी किसानों से मिला, आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, उसमें मैंने ये देखा आज भी यहाँ एक ट्रेडिशनल अप्रोच पे किसान और यहाँ के लोग चल रहे हैं। उस ट्रेडिशनल अप्रोच को चेंज करने की आवश्यकता है। आज भी अगर गेहूं उपजा रहे हैं तो गेहूं ही उपजा रहे हैं, बारिश से वो खराब हो जा रहा है तो वो परेशान हो जा रहे हैं, एक फसल खराब होने से वो बर्बाद हो जा रहे हैं, तो कैसे इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, कौन सी ऐसी वो पैदावार करें। आप पीनट के बारे में जानते होंगे, मूंगफली 70-80 रुपए किलो आपको मार्केट में मिल जाएगी, अगर उसी का बटर बन जाए तो 300-400 रुपए में बिकता है। तो केवल प्रोसेसिंग की बात आ रही है। और अभी जी शेयर कर रहे थे, यहाँ सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूस होती है और सबसे ज्यादा खराब होती है, तो ऐसा क्या हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा दें, कैसे उसे महीने दो महीने के लिए स्टोर करके अच्छे रेट में बेच दें। छोटे छोटे से काम से एक बड़ा बदलाव यहाँ आ सकता है। ये मैंने यूपी में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन में मैंने किया है, मैं वहाँ डीन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन था। तो मैं दिल से इस हवन में अपनी आहुति देता हूँ और अपना 100% इन्वॉल्वमेंट मेरा रहेगा, ये मैं अपना कमिटमेंट देता हूँ। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, ये दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मेरा या केवल मेरे बच्चों का नहीं है, ये पूरे दरभंगा की प्रॉपर्टी है। जितने स्कूल के बच्चे हैं या कोई भी है, यहाँ के जितने रिसोर्स कायदे से डिसिप्लिन वे में यूज करना चाहता है, मैं परमिशन दूंगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप अपनी बस से बच्चों को लेके आइए, हमारी फैकल्टी सुबह से शाम तक उन्हें जो बताना है, भ्रमण करवाना है, टहलाना है, उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी है, ये मैं सपोर्ट आपके तहत आपके द्वारा मैं पूरे दरभंगा में फैलाना चाहता हूँ। इसमें हमारा जो भी कॉपरेशन हो, ग्रामीण जो लोग हैं उनका कैसे उत्थान हो सकता है, इंडिया की ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, यूपी की कौन कौन सी पॉलिसीज और बिहार की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जिसके तहत हमारे किसान भाइयों का भला हो सकता है, उन्हें ऋण मिल सकता है और क्या क्या हो सकता है स्टार्टअप से रिलेटेड, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, उसमें योगदान देते रहेंगे। देखिए, इस समय जैसे सर ने बोला कि कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि में बहुत तरह की नई तकनीक आ रही है और बहुत सारे बच्चे हैं जो वो तकनीक लेके किसानों तक जाना चाहते हैं, लेकिन वो इस समय प्लेटफॉर्म नहीं है, जरिया नहीं कि कैसे जाएं। तो जैसे इनक्यूबेटर बन जाएगा तो उस इनक्यूबेटर में कृषि के एक्सपर्ट्स का एक पैनल हम बना लेंगे, उस एक्सपर्ट्स के थ्रू फार्मर्स को इनके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि या तो चाहे सीड प्रोडक्शन की हो या क्वालिटी की हो या ड्रोन सर्वे की हो या मार्केटिंग की हो और पैकेजिंग की बात सर नहीं हुई, ये सारी चीज़ों का एक तरह से फार्मर के ऊपर पहुंचना शुरू करें। कल मेरी मीटिंग हुई थी जो मिथिला वेजिटेबल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, करीब हर ब्लॉक में एक कोऑपरेटिव बना है और हर ब्लॉक में कोऑपरेटिव बन के एक कोशिश कर रहा है कि वो फार्मर जो है उसका वेजिटेबल का प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी बढ़ा दूँ, शेल्फ लाइफ बढ़ा दूँ। तो ये जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर बनेगा वो एग्रीकल्चर में, हेल्थ टेक में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, ई कॉमर्स में, टूरिज्म में, सब में नए नए आइडियाज़ लेके आगे बढ़ाए। आपके संस्था से यहाँ के लोग फायदा कैसे लेंगे इसके बारे में बताइए। तो संस्था ने फायदा बताया ना कि तीन तरह से स्टार्टअप को चाहिए होता है, एक होता है उनको निधि चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं शुरू में, तो वो बहुत सारे लोग हैं, जैसे जैसे हम अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी एबिलिटी बनेगी कि हम उनको संस्था में निधि दे सकते। और दूसरा है ज्ञान, कि उनको समझाएं कि आप कैसे काम करें, आगे कैसे बढ़ें, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। तो दोनों तरफ से स्टार्टअप का एक तरह से उत्थान होगा तो फिर कैपिटल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ कोई अस्थायी कार्यालय या किसी प्रकार के यहाँ खुलेगा कि जिससे कि आम दिन के लोग भी उस संस्था में जाके अपने भविष्य के लिए आपसे संपर्क कर सकें। जी हाँ, यहाँ पे DC में एक इंक्यूबेटर ही खोलने की कल बात होगी कि DC में एक इंक्यूबेटर खोला जाए।